हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड? फ्रॉम हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एल्यूमिनियम कार्बाइड. सो दिस इज एल्यूमिनियम कार्बाइड. ऑब्वियसली एल्यूमिनियम हैज द प्लस 3 चार्ज और कार्बाइड, कार्बाइड की बात कर रहे हैं मतलब वो कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. अरे कार्बाइड का मतलब क्या होता है? वो कार्बन जिसके ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज. तो कार्बन आपके पास में, कार्बन के ऊपर मैक्सिमम जो नेगेटिव चार्ज आ सकता है वो आ सकता है -4 का, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो 4 ही करेगा, क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा. क्या बनेगा? Al4C3. और अगर मैं इसको फिर से ब्रेक करता हूं तो ये बनाएगा 4Al3+ एंड 3C4-. ये बनाएगा ना? अरे ये बनाएगा क्या भाई? 4 इसके और 3 इसके कंबाइन करेंगे, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है चार्ज बैलेंस करने का. तो अगर इसका आप हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो देखिए एल्यूमिनियम जो है वो OH- को अट्रैक्ट करेगा, जबकि कार्बन जो है उसको करेगा H+ को. वाटर की बात कर रहा हूं मैं. तो एक एल्यूमिनियम कितने OH- को खींचेगा खुद की तरफ? 3 को. कितने को खींचेगा? अकेला 3 को खींचेगा. तो 4 कितने को खींचेंगे? 12 OH- आर रिक्वायर्ड. और उसे क्या बनेगा? 4 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. क्या बन जाएगा? 4 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. जबकि यहां क्या बन जाएगा आपके पास में? यहां क्या बन जाएगा? CH4. क्योंकि हरे कार्बन से 4H+ कंबाइन हो जाएगी. हरे कार्बन से क्या हो जाएगा? 4H+. तो क्या बनाएगा? कितनी CH4? 4 हाइड्रोलाइसिस. ये सॉल्ट था आपके पास में एल्यूमिनियम कार्बाइड.